बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। बच्चों, इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व के भागों तक हमने लगभग 46 अर्थात 46 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे इस भाग में बच्चों प्रश्न क्रमांक 47 और इससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए बच्चों, बिना देर के शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 47, आयत पी क्यू आर एस की रचना कीजिए। ध्यान समझिएगा बच्चों, आयत पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जहाँ पी क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर और विकर्ण पी आर बराबर 6.5 सेंटीमीटर हो। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर बना कर रखा है, इसको बहुत ध्यान समझिए और इसके हिसाब से मैं आपको रचना के पद बता देता हूँ। सबसे पहले पी क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। चूंकि दोनों विकर्ण की लंबाइयाँ समान दिया हुआ है प्रश्न में, अर्थात पी आर बराबर भी 6 सेंटीमीटर और क्यू आर क्यू एस बराबर भी 6 सेंटीमीटर, इसलिए हमने विकर्ण के लिए चाप काट दिया पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर का और क्यू आर बराबर क्यू एस बराबर भी 6 सेंटीमीटर का। चूंकि आयत के विकर्ण समान होते हैं, इसलिए आयत के विकर्ण समान भी होते हैं और इनका प्रत्येक कोण 90° का होता है। यहाँ पर पी पर हमने एक समकोण बनाया है जो एस पर काटता है। पी एस, क्यू आर, पी आर और क्यू एस को मिलाया, एस आर बराबर भी 4.5 सेंटीमीटर का हमने चाप काटा था, जिससे आर बिंदु प्राप्त हुआ था। अर्थात पी क्यू आर एस अभिष्ट चतुर्भुज होगा, अभिष्ट आयत होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी में दूसरा प्रश्न। सम चतुर्भुज एस टी यू वी की रचना कीजिए जिसमें एस टी बराबर 4 सेंटीमीटर एवं कोण एस बराबर 60° हो। समझ लीजिए बच्चों, एक बार प्रश्न को। सम चतुर्भुज एस टी यू वी की रचना कीजिए जिसमें एस टी बराबर 4 सेंटीमीटर एवं कोण एस बराबर 60° हो। तो यहाँ पर भी मैं रचना करके रखा हूँ बच्चों, आपको रचना के पद में बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम एस टी बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। चूंकि कोण एस बराबर 60° दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर 60° का कोण बना देंगे। बच्चों, एस टी, इसको हम यू नाम दे देते हैं, इसको हम वी नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों टी यू बराबर टी यू, तो सबसे पहले एस टी बराबर 4 सेंटीमीटर आप काट दीजिए। क्यों 4 सेंटीमीटर? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है एस वी बराबर, चूंकि समचतुर्भुज है बच्चों और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है, इसलिए सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर माप की होंगी। चूंकि प्रश्न में विकर्ण की लंबाई नहीं दिया हुआ, इसलिए आपको विकर्ण की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा एस टी यू वी अभीष्ट चतुर्भुज होगा जो एक समचतुर्भुज है, और ये हमारा आंसर भी होगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 60°, कोण बी बराबर 110° और कोण डी बराबर 90° हो। भुजा सी डी को मापिए। बच्चों, चित्र को बहुत ध्यान से देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रचना के बाद हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, कोण ए बराबर 60° बनाया क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है, और कोण बी बराबर 110° का हमने कोण बनाया। बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, या कहेंगे बिंदु बी से 3.5 सेंटीमीटर इस प्रकार काटा जो सी पर मिलता है। उसके बाद बच्चों डी पर 90° का कोण हम इस प्रकार बनाते हैं कि वो सी पर मिलता है। सी डी, ए डी, ए बी और बी सी को मिलाया। अब प्रश्न में पूछा बच्चों कि सी डी को मापिए, तो सी डी को मापने से हमको मिला 4.7 सेंटीमीटर। कितना मिला बच्चों? 4.7 सेंटीमीटर। यही हमारा अभीष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 60° व कोण सी बराबर 90° हो। यहाँ पर देखिए बच्चों, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। रचना के बाद हम कैसे लिखेंगे? ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बिंदु बी पर 60° का कोण बनाया, पी पर से 4.5 सेंटीमीटर इस प्रकार काटा जो सी पर मिलता है, सी पर हमने 90° का कोण बनाया बच्चों, सी से 4.5 सेंटीमीटर इस प्रकार काटा जो डी पर मिलता है, ए डी, सी डी, बी सी को मिलाया। और यहाँ पर प्रश्न में किसी भुजा को मापने के लिए नहीं कहा है बच्चों, इसे मापने की आवश्यकता नहीं है, और यही हमारी अभीष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी होगा। वर्ग पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें विकर्ण पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो। विकर्ण पी आर बराबर कितना सेंटीमीटर हो बच्चों? 5 सेंटीमीटर हो। तो चलिए हम वर्ग बनाते हैं, और वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, आप सब जानते हैं, विकर्ण की विकर्ण भी समान होते हैं, इनके पर सभी कोण वर्ग के प्रत्येक कोण 90° के होते हैं। तो चलिए बनाते हैं बच्चों, बनाकर देखते हैं, बना हुआ है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लीजिए। इस रेखाखंड पी आर का अर्धक कर दीजिए बच्चों, अर्धक करने वाले रेखा का नाम एल एम जो आप चाहे दे सकते हैं, हमने एल नाम दिया है। फिर बिंदु हमको जब अर्धक करने वाली रेखा है, बिंदु ओ पर पी आर को परिच्छेद कर रही है, और ओ से 2.5 सेंटीमीटर का ऊपर की ओर चाप काटा, 2.5 सेंटीमीटर नीचे की ओर चाप काटा, कुल मिलाकर इसकी लंबाई भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों। पी क्यू, पी एस, आर क्यू और एस आर को मिलाया, पी एस क्यू आर या पी क्यू आर एस अभीष्ट वर्ग होगा, ये हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
समीकरण 2x + 5, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। समीकरण है 2x + 5 / 3x + 1 = 3/11 को हल कीजिए। यहाँ पर हम सबसे पहले बच्चों तिरिया गुणा करेंगे। तिरिया गुणा कैसे करेंगे आप सब जानते हैं, 11 * 2 = 5 हो जाएगा और 3 का गुणा 3x + 1 से हो जाएगा। 11 का गुणा हो जाएगा 2x + 5 से बच्चों, और 3 का गुणा हो जाएगा 3x + 1 से। तो 11 का चलिए पहाड़ा पढ़ दीजिए बच्चों, 11 * 2 = 22x हो जाएगा यहाँ पर। 11 * 5 = 55 = 3 * 3 = 9x और 3 * 1 = 3, इस प्रकार हो जाएगा। x को अपने तरफ पक्षांतर कर लीजिए, 22x - 9x = 3 - 55, 55 को उधर भेज देते हैं, 9x को अपने तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। 22x में 9x घटा दीजिए बच्चों, कितना बचेगा, 22 में 2 = 20 और 7 = 13, 13x बचेगा बच्चों बराबर। 55 में 3 घटाएंगे तो 52 बचेगा, वो भी ऋण में बचेगा। x बराबर हम पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने से हमको मिलेगा -52/13, 13 से 52 को घटा देंगे तो -4 बार, क्योंकि -52 दिया हुआ है तो -4 बार भी ये कट जाएगा और ये हमारा आंसर होगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। समीकरण 1 = 0.5 / 0.3x = 20 को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम एक बार और समीकरण लिख लेते हैं, 1 = 0.5 / 0.3x = 20। कुछ नहीं बच्चों तो 20/1 भी लगा सकते हैं हर में और तिरिया गुणा करने पर, और तिरिया गुणा इससे पहले के सवाल में आपने किया है बच्चों, तिरिया गुणा कैसे करते हैं आप सबको मालूम है। चलिए तिरिया गुणा करते हैं, 1 का गुणा 0.5 से करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, और उसी प्रकार 20 का गुणा हम कर देंगे 0.3x से। अब यहाँ देखिए बच्चों x को पक्षांतर कर देते हैं, इससे पहले हम पक्षांतर करें गुणा कर देते हैं, 20 + 60 अर्थात 6.0x हो जाएगा। x को उधर पक्षांतर कर दीजिए, 0.5 = 6x / x, 0.5 बराबर हो जाएगा बच्चों 6x में 1x घटाइए तो आपको मिलेगा 5x, कितना मिल जाएगा 5x। x बराबर हो जाएगा 0.5/5 अर्थात इसको जब काटेंगे तो 0.1 प्राप्त होगा जो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम तिरिया गुणा करके समीकरण को हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। समीकरण को हल कर उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच भी आपको करना है। चलिए हल करते हैं बच्चों, सबसे पहले तिरिया गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम, तिरिया गुणा करने पर अर्थात 7 का गुणा हम कर देंगे 2x + 3 से, उसी प्रकार 5 का गुणा कर देंगे 5x + 2 से। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 7 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 7 * 2 = 21 = 5 × 25x + 5 × 10। अब यहाँ पर 14x - 25x को अपने तरफ ले आइए, इस तरह से पक्षांतर हो जाएगा, 10 ऋण हो जाएगा 21। 14x को 25x से घटा देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों 11x, कितना मिल जाएगा, ऋण 11x बराबर 21 में 10 घटाएंगे तो यहाँ भी ऋण 11 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर 11x में से 11 को पक्षांतर कर देते हैं, तब यहाँ पर हो जाएगा ऋण कट गया बच्चों 11/11 अर्थात 1। तो 1 से मान कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर 1 प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना है बच्चों, उत्तर की जाँच। उत्तर की जाँच करने के लिए हमको बाएँ पक्ष में, दो पक्ष है बायाँ और दायाँ, तो बाएं पक्ष में एक सकमान रखने पर, किसका मान रखेंगे बच्चों, एक सकमान रखने पर 5x दिया है तो 5 * 1 हो जाएगा -2/, नीचे में दिया है 2x अर्थात 2 * 1 = 3। 5 एकम कितना होता है बच्चों, मान हमने रख दिया, गुणा कर दीजिए अब इसको, 5 एकम 5 + 2 अर्थात इस तरह से लिखेंगे, 2 एकम 2 + 3 इसको इस तरह से लिखेंगे, 5 और 2 कितना होता है बच्चों 7, 2 और 3 कितना होता है 5, इस तरह से 7/5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो उत्तर के दाएं पक्ष में दिया हुआ है और हमने उत्तर की जांच भी कर लिया है। तो इस तरह से हमारे प्रश्न का आंसर प्राप्त हो जाता है बच्चों। इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास हमारे यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।